तो पिछले वीडियो में अपने टेक्नो गेमर बाइक की ट्री उसको कुछ इतना कंप्लीट कर लिया था, पर आज अपने इसकी डेकोरेशन करेंगे, मतलब बचा कुचा काम। तो सबसे पहले सारों के एक ब्लॉक एक्स्ट्रा लगा के इसे एक्सटेंड करेंगे साइडों से, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो ये बहुत सिंपल काम है ना, इसके लिए सब्सक्राइब कर दे। अब सारों के अपने ऐसे खिड़कियाँ लगाएंगे, तो मैं नीचे के आ गया, ऊपर चलो पहले। तो सभी ऐसे ग्लास पेन से लगा देंगे, दो ब्लॉक तोड़ के सेंटर वाले, और इस साइड चारों साइड अपने ऐसे खिड़कियाँ लगा देनी है इसके दो दो ब्लॉक को तोड़कर। ना अपने आते हैं बार की तरफ, और बार का डेकोरेशन करते हैं थोड़ा सा। पहले यहाँ खिड़की लगा देता हूँ मैं। गलत क्यों लग रही है, तुम लाइक नहीं कर रहे इसलिए गलत लग रही है। और लाइक है मैं अपना 500 लाइक, ज़्यादा बोल गया मैं, चल फिर भी कोई नहीं। ऐसे अपने ट्रैप डोर लगा देंगे सीढ़ियों के बाद, ना सेम ऐसे सीढ़ी इधर लगाएंगे। गलत क्यों लगती है यार, अब इधर ऐसे सीढ़ियाँ लगा देनी है गाइस अपने ने। ना ऊपर एक ट्रैप डोर, यहाँ एक, यहाँ और यहाँ पे एक सीढ़ी। अब नीचे की तरफ भी ट्रैप डोर लगेंगे तीन कुछ ऐसे, और चारों साइड ऐसे करेंगे। तो मैं चारों साइड करके मिलता हूँ। ना वो इस चारों साइड करने के बाद अपने सेकंड फ्लोर की डेकोरेशन पे आते हैं। तो सबसे पहले इसकी फ्लोरिंग नहीं की हुई मैंने, तो वो कर देता हूँ। तो मैं स्ट्रिप ऑक्सी कर रहा हूँ, वैसे तो प्लैंक से करनी है पर मेरे को ज़्यादा अच्छी लग रही थी ये, तो आप भी यूज कर सकते हो ये, पर प्लैंक यूज करना अगर आपको बिल्कुल डिटो तैयार करना है। ना अपने ने यहाँ पे फिर से ग्लास पेन लगाने चारों साइड, जैसे नीचे वाले फ्लोर पे लगाए थे, तो इधर भी मैं ग्लास पेन लगा देता हूँ। तब तक कमेंट करो आप अच्छे अच्छे। ना अपने ने ऐसे थ्री ब्लॉक आगे की तरफ और एक साइड की तरफ लगा के एक स्लैब प्लेस कर देने। टेम्परेरी ब्लॉक है, तीन दिन को तोड़ दूंगा, तो ये बस अंदाजे के लिए तीन आगे और एक साइड में। ना अपने ने एक सीधा, फिर एक फिर से खोद लगाना है, उसके ऊपर एक, ऐसे तीन बार लगाने अपने ने एक के ऊपर एक। ना फिर तीन बार सीधा लेके जाना है, एक दो और तीन। फिर अब नीचे की तरफ शुरू करना है यही काम, एक लगाना है, एक दो और तीन। ना दो बार सीधा लेके जाना है अपने ने, और चारों साइड ऐसे घुमा देना है। तो एक मैं जल्दी से करके मिलता हूँ गाइस आपको, वरना आप पीछे करके देख सकते हो अगर आपको समझ ना आए। तो दो बार सीधा, फिर तीन बार ऊपर, फिर तीन बार सीधा और तीन बार नीचे। तो गाइस जल्दी से करके मिलता हूँ आपको मैं। नाउ इतना करने के बाद अपने ने लेना है ब्लैक स्टोन, ब्लैक स्टोन की स्लैब लेनी है, उसकी जस्ट बराबर बराबर लगा देनी है स्लैब के ऊपर वाले स्लैब्स के। और इसको मैं स्पीड से कर देता हूँ क्योंकि ये तो समझ आ ही रहा है क्या करना है। तो अब इतना करने के बाद अपने ने यहाँ पे ऐसे टेम्परेरी फाइव ब्लॉक लगाने हैं, ये भी ऑप्शनल टाइप है। बस थोड़ी डेकोरेशन अच्छी करनी है, तो मैं चारों साइड ऐसे कर देता हूँ। ना अपने ने थर्ड फ्लोर पे आना है, और इसकी फ्लोरिंग भी मैं कर देता हूँ ओक प्लैंक से। पीछे का जो शोर आ रहा है उसको इग्नोर करो यार, ये बेवकूफ है गली वाले। ना अपने ने ऐसे करना है, और एक जगह में खाली करना ही भूल गया, चलो मैं उसे कर दूंगा। ना इधर अपने ने ऐसे बनानी है एक बालकनी, तो फोर ब्लॉक आगे दोनों साइड से, और इसको ज्वाइन कर देंगे ब्लैक स्ट्रिप ओक से, और बीच में लगाएंगे ओक प्लैंक। ना ये चारों साइड अपने ने बालकनी क्रिएट करनी है जैसे मैं कर रहा हूँ, और इसकी अपनी छत सी बनाएंगे, मतलब रेलिंग। तो ये बनेगी अपनी लेक्टर्न से, जो ये स्टडिंग टेबल है, और चारों साइड अपने ऐसे ही करेंगे, और दूर से एकदम ओपी व्यू आएगा बिल्कुल। ना इसकी छत की बारी है, तो उससे पहले अपने यहाँ पे पेड़ की टहनियाँ बनाएंगे, तो कुछ ऐसे बनानी है तीन लगा के। ना इसे अपने ने एक साइड से तो ऊपर की तरफ करना है, तो ये रैंडम ब्लॉक लगने हैं, तो जितने रैंडम लगते हैं उतना अच्छा बनेगा। थोड़ा तीन बार लेके जाना आगे, फिर एक ब्लॉक ऊपर, फिर तीन बार आगे की तरफ, ना ऊपर, और रैंडम लग रहा है तो लगने हैं, तो उतना अच्छा बनेगा जितना रैंडम लगेगा, तो ये बताने की बात नहीं है। तो बस मैं इसको ऊपर की तरफ खींचता ही जा रहा हूँ, और रैंडम लगाई जा रहा हूँ। तो इसकी कोई तेक्निक तो नहीं है, अपने हिसाब से लगाते जाओ आप गाइस जैसे लगता है, बस थोड़ा बढ़िया लगना चाहिए रैंडम, जितना रैंडम उतना बेस्ट। अब देखो गाइस मांग खेमी इसकी ठोकी जा रहा हूँ ब्लॉक जितने लग सकते हैं, और सेम अपनी ऊपर वाली टहनी तैयार हो चुकी है, और दूर से दिखाता हूँ कितनी ओपी लग रही होगी ये। ना उसके जस्ट अपोजिट साइड आना, और नीचे वाली टहनी तैयार करनी है अब अपने ने। तो इसके अंदर भी रैंडम लगाने हैं, पर अपने ने इस वर्ष को नीचे की तरफ लेके जाने से रैंडम ब्लॉक्स को, तो मैं इधर जल्दी से रैंडम लगा देता हूँ। और ये ओक प्लैंक लेने हैं सिंपल वाले, जिसको छिलना भी नहीं अपने ने, तो इसको मैं नीचे लेके मिलता हूँ गाइस। नाउ गाइस कितना मस्त लगने लग चुका है। अपने लीव्स लगानी है, ये भी रैंडम लगानी है, कोई भी लीव यूज कर सकते हैं अपने, और इसको बस प्लैंक भर देनी है अपने ने, अच्छे से ठोकते जाने लीव्स, जितनी ज़्यादा लगा सकते हैं उतना बेस्ट रहेगा। और गाइस देखना रैंडम लीव्स लगाने का कमाल, बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि आप असली ट्री जैसी लुक आएगी। तो एक साइड लगा दी है, अब इसकी छत भी अपने लीव्स से बनाएंगे, तो ये भी मैं रैंडम लीव्स लगा रहा हूँ, तो इसका कोई अंदाजा तो नहीं है, पर ठोकते जाओ जितनी अच्छी लगती है आपको, बस एंड रिजल्ट अच्छा बनेगा ऑलवेज इसका हमेशा। जल्दी से मैं लीव्स ठोक देता हूँ इसके अंदर, तो आप देख सकते हो कि छत पे लगानी है, दोनों टहनियों पे लगानी है, और हर फ्लोर पे लीव लगानी है, तब भी बेस्ट लगेगा। और आप फाइनल रिजल्ट देख सकते हो, हर फ्लोर पे लीव